जय हिंद दोस्तों, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला से मैं लेफ्टिनेंट जनरल विशाल अत्री, रिटायर्ड डायरेक्टर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला। दोस्तों मैं आपको 26 नवंबर 2020 पे मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि इसका पैटर्न जो है चेंज होने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं अपने सामने 26 नवंबर 2020 भारतीय सेना लिखित परीक्षा पैटर्न बदल दिया गया है। 26 नवंबर 2020 मैंने आपको पिछले 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले और कुछ 2 महीने पहले मैंने आपको बताए जा रहा हूं बार बार, नए पैटर्न की लिखित परीक्षा तैयारी एक साथ करें, आर्मी में लिखित परीक्षा का बदलाव पैटर्न उदाहरण के साथ समझे, पुराना पढ़ा तो फेल हो, रटने से पास नहीं होगे, खा के धोखा कई बच्चा, मैंने आगाह किया था। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पैटर्न चेंज है, पैटर्न चेंज हो चुका है। 28 मार्च के बाद जो पेपर हुआ 28 मार्च का, बच्चे सब हिले हुए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये अभी कैसे इस पेपर की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको भी आगे बताता हूँ कि आपने तैयारी किस हिसाब से करनी है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पेपर जो है कंप्लीटली पैटर्न चेंज हो चुका है, इसमें आप कोई शक मत रखिएगा। यदि आप सोचे कि मैं रट के पास हो जाऊंगा, आप भूल जाओ बेटे, आप सवाल ही नहीं उठता कि आप जो है पास हो सकते हो। आपने जो करना है, आपको क्लास 6 से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी बुक्स को डिटेल में पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट्स के। बात समझ आ गई है, क्वेश्चन पेपर इसी में से आएगा, एक भी सवाल चाहे कहीं से भी आए उसका स्वरूप चेंज हो सकता है लेकिन वो सिलेबस उसका 6 से 10वीं क्लास तक का ही रहेगा। पेपर जो है एप्लीकेशन बेस्ड रहने वाला है, कोई डाउट मत रखिएगा आप। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब बीच बीच में से निकाल के पूछेंगे उसको, ये नहीं है कि पीछे के सवाल रट लिया आपने और हो गया, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसको, तभी आप उसको कर पाएंगे। जो ये सवाल है ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस में से आए, ये जो उदाहरण दे रखे किताबों में, जो इक्वेशन फॉर्मूलाज दे रखे हैं उसी में से डायरेक्टली सवाल निकालिए, उसी के ऊपर जो है बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस वो लोग दे सकते हैं। दोस्तों भूल जाइए आप लोग कि फलाने पब्लिकेशन से पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा, ढिमकाने पब्लिकेशन से पढ़ के पास हो जाऊंगा, मैंने इतने सवाल रट लिए, इतने मैंने सेट याद कर लिए और मेरा हो गया, गए जमाने। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था महीने पहले से कि अब ये नहीं हो पाएगा। दोस्तों करंट अफेयर्स लगातार पढ़िए, आपने न्यूज़पेपर लगातार पढ़ना है। न्यूज़पेपर के अंदर पेज नंबर 1, 2, 3 और बीच वाला एडिटोरियल, संपादकीय जिसको बोलते हैं हिंदी में और एडिटोरियल बोलते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में, आपने वो पढ़ना है। इसके अलावा आपने जो है स्पोर्ट्स का सेक्शन, लास्ट का जो एक पेज होता है स्पोर्ट्स सेक्शन, आपने वो पढ़ना है। बाकी फालतू आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इन सारी चीजों का हमने गहन अध्ययन किया हुआ है, आप जो है तुरंत से पेशतर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला पहुंचे। आप प्लीज ऐसी जगह पे ना रहे 25 अप्रैल और 30 मई वाले बच्चे, जहां पे आपको जो है गलत चीजें सिखाई जा रही हैं, आपको जो है रटाया जा रहा है अभी, आप भूल जाइए। हमने इसमें पूरा गहन अध्ययन कर रखा है, हमारे सभी बच्चों का पेपर 28 मार्च सभी का पेपर बहुत अच्छा गया है, 28 फरवरी के रिजल्ट आ चुके हैं, आप हमारे एकेडमी की वेबसाइट और फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। प्लस आप ये जो है अब 28 मार्च का जो पेपर हुआ है ये भी आप देख लीजिएगा, रिजल्ट जो है हमारे अच्छे आने वाले हैं, हमारे सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है। तो आप आ सकते हैं वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला, ऊपर दिए नंबर पर कॉल करें और जो है पहुंच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।